नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 5 फरवरी 2020 के लिए मैंने आप लोग को बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग को इंसर्ट द वर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे स्ट्रेटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, इनर 4 इनर 7 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ तो इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग और स्ट्रेटेजी टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें इस फाइल में क्या क्या है वो भी और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और इधर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, उसका लिंक भी आप लोग को इधर मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा और भी बहुत सारा लिंक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दिया जाएगा जो आप लोग जरूर देखिएगा। तो तब आप लोग को ये फाइल आप लोग को समझ में आ जाएगा फाइल कैसे काम करता है, कैसे इफेक्टिवली काम करता है और कैसे इफेक्टिव है तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो इधर देखिए बाइसल लेवल, तीनों बाइसल लेवल बनाता हूँ, बाइसल लेवल 1, बाइसल लेवल 2 और बाइसल लेवल 3। और बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ये आप लोग कैसे स्क्रीनिंग करना है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इधर बाइसल लेवल 1 का बाइक एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसका लाइव मार्केट में ओपन होने के बाद कौन सा पोजीशन में है, करंट स्टॉक कौन सा हो उसको देखने के बाद आप लोग को एंट्री लेना है। सोच लीजिए 9593 और ये बजाज फिनसर्प 9596 40 ऐसा कुछ ओपन हुआ तो इधर आप लोग को नेक्स्ट टारगेट पर देखना है। ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है कौन सा स्टॉक कौन सा लेवल पे है उसको देख के आप लोग को करना है। इसके बाद वैसे लेवल 2 दिखाऊंगा, यहाँ वैसे लेवल 2, इसके बाद वैसे लेवल 3। आर वन इसका आर वन वाई का एंट्री लेवल है और एस वन सेल का एंट्री लेवल है और ये है पिवट पॉइंट और स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये बुलिन चेन बैंड का वैल्यू और प्राइस चैनल का वैल्यू और प्राइस पैनल का अपर बैंड मिड बैंड का वैल्यू और टीरोन लेवल का वैल्यू और टीरोन लेवल टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू जो कि आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, अभी आप लोग को काम पे आएगा। इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाऊंगा जो लेवल आप लोग को समझ में आएगा तो जो उसका लेवल आप लोग को बाई सेल लेवल 1, 2, 3 आप लोग को देखने के लिए देखने से आप लोग को लाइव मार्केट में उसका मूवमेंट आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा, आप लोग को ट्रैकिंग करने के लिए सुविधा होगा। आप लोग कोई भी बाई लेवल सेल लेवल यूज़ करता है, यूज कर सकता है, पिवट पॉइंट भी यूज़ कर सकता है, टीरन लेवल भी यूज़ कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू यूज़ कर सकता है। उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा कमोडिटी, कमोडिटी का लेवल देखना पड़ेगा, इस लेवल 1 और आप लोग को कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ, वैसे लेवल 1 ही दिखाता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जो जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को आज का जो डेली कैंडल है जिस जिस स्टॉक्स का 100 डे मूविंग एवरेज आज काट किया है तो उसका इसका हाई लो जब कल ब्रेक करेगा तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए ये एसीसी को काट किया है
तो आप लोग को इधर दिखा देता हूँ। स्ट्रेटेजी करूँगा मूविंग एवरेज देखिए आज का कैंडल को ये काट किया है एसीसी का, सॉरी ये निफ्टी बैंक है। देखिए एसीसी आज का कैंडल इसका 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और इसके बाद एक्सोफार्मा एक्सिस बैंक ये सब आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए एक्सिस बैंक को काट किया है, जस्ट टच किया है, इसी जगह से काट करना है और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए इधर BPCL, इसका मैंने इनर 4 इनर 7 दिखाऊंगा और भी है इसमें, तो आप लोग को मेरा आप लोग फ्रीटाइल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, फिर सर्विस के लिए आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग मेरा फिर सर्विस ले सकता है। उसके बाद इनर 4 इनर 7 और इनसाइड दवा दिखाऊंगा। ये स्टॉक्स में देखिए 1 डे 2 डे का हिसाब से हमारा जो बैटरी इंसर्ट डवर हुआ है तो कैसे कॉन्सेप्ट है आप लोग को पता है शायद, तो तब भी आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इधर जो आज का जो कैंडल है ये अगले दिन का कैंडल का अंदर रह गया तो इसके लिए इसको इंसर्ट डवर है, तो अगले दिन का कैंडल का हाई लो जब तोड़ेगा तो इसका अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और इधर जो 2 डेज का हिसाब से भी है इंसर्ट दवार बना है तो इधर 2 डे का कैंडल का भी हाई लो ब्रेक होने से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, इसका या इसका कोई हाई लो आप लोग ब्रेक करने से आप लोग ट्रेड ले सकता है। यह हमारा जो बैटरी इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में बना है 1 डे का हिसाब से, अपोलो टायर में बना है NR4 और NR7 का किस में आप लोग को करेंट कैंडल को देखना है। और ये बजाज ऑटो इधर बैंक बड़ौदा भी आप लोग को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हायर हाई हायर लॉस, ये भी बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसका देखिए एशियन पेंट में बना है, एशियन पेंट में बना है। अच्छा इधर एशियन पेंट में देखिए 3 दिन से लगातार 3 दिन से हायर हाई हायर लॉस बना है, इसका हाई लॉस जब तोड़ेगा तो पर्टिकुलरली जब हाई तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये इसको 3 व्हाइट शोल्डर्स बोलता है और कुछ हुआ और भी तो हुआ है लेकिन मैंने और दूसरा कुछ फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए लोअर हाई लोअर लो, इधर कैनरा बैंक में 3 दिन से लोअर हाई लोअर लोस बना है, ये देखिए 3 दिन से बना है। जो कुछ भी इधर एक्सेल फाइल में है आप लोग को चार्ट में वही दिखाएगा। और देखिए इधर इन्वर्टेड हैमर और फार्मा में इन्वर्टेड हैमर बनता है और फार्मा देखिए इन्वर्टेड हैमर थोड़ा सा इन्वर्टेड इधर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए लेकिन ठीक ही है। और इधर इधर कौन सा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर बोल सकता है। इसके बाद देखते हैं और कुछ कैंडल किसका पैटर्न अच्छा वाला निकल, ये मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट ये भी आप लोग कौन सा में नोट कर सकता है, मास्टर ये भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, सभी चार्ट में इधर हेल्पफुल रहता है। आप लोग को कोई कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कीजिए वो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसके साथ आप लोग फिबोनाची स्ट्रेटजी मिला देंगे तो और भी हेल्पफुल रहेगा। देखिए बुलिश एंगल्फिंग हम लोग उसका फिबोनाची स्ट्रेटजी कैसा है आप लोग को उधर मेरे यूट्यूब वीडियो का यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिल जाएगा।